सोशल मीडिया पर इस वक्त काफी ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रही है ये वाली कुछ इमेज फोटो विंग्स वाली। तो इसे कैसे क्रिएट करेंगे वो इस वाली वीडियो में मैं बताऊंगा। और मैंने इससे पहले एक वीडियो अपलोड करी थी जो 3D सोशल मीडिया एनिमेशन वाले फोटो क्रिएट कैसे करते हैं, अगर आपने वो नहीं देखी तो आई बटन में दिख रहा होगा, वहां पे जाकर आप बाद में देख लेना। चलते हैं अपने फोन की स्क्रीन की तरफ। गाइज अपने फोन में कोई भी ब्राउजर को ओपन कर लेता हूँ, तो मैं यहाँ से गूगल ओपन करके दिखाने वाला हूँ। तो मैं यहाँ से कर देता हूँ गूगल पर ओपन, और यहाँ से आपको लिख देना है बिंग इमेज AI। गाइज जब आप ये सर्च करोगे अपना, तो सबसे फर्स्ट नंबर की वेबसाइट है कि इस वाली वेबसाइट पर कर देंगे हम क्लिक। सो गाइज आप समझो उस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो गाइज मैंने इस वाले वेबसाइट में पहले से लॉगिन कर रखा है, आपको इसमें अपनी जीमेल से कोई भी अकाउंट क्रिएट कर लेना है। मैंने तो कर रखा है ऑलरेडी, तो आप क्रिएट कर लेना। तो गाइज आपको यहाँ आपको जिस तरह इंटरफेस आएगा, तो यहाँ पे आपको क्या टाइप करना है। गाइज मैंने डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में दोनों में कुछ ये वाला जो मैं यहाँ पे टाइप करना है और वो मैंने लिख रखा है, तो आप वहाँ से इसको कॉपी कर लेना या लिख लेना उसको वहाँ से देख कर। तो कुछ इस तरह से लिख देना। और गाइज यहाँ पे मैं लिख रहा है ना ये वाला क्या कहते हैं, यहाँ पे नीचे आपका नाम लिख रहा है, जैसे मैंने यहाँ पे MS क्रिएटिव लिख रखा है। तो गाइज आप अपना यूजर नेम लिख सकते हो जो भी आपका नाम है, इस पर कर देना आपके बाद क्रिएट पर क्लिक। सो गाइज आप देख सकते हो अपनी विंग्स वाली फोटो कुछ इस तरह से क्रिएट होकर आ जाएंगी। सो गाइज देख सकते हो भाई ये कुछ चिल्ड्रन वाली फोटो आ गई। भाई मैं तो चिल्ड्रन नहीं हूँ, मैं तो बच्चा नहीं हूँ, तो मैं थोड़ा फोटो को यहाँ से बैक कर लेते हैं। बच्चे वाली फोटो है तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे थोड़ा चेंज कर देता हूँ। यहाँ लिख देता हूँ मैं 20 ईयर्स ओल्ड बॉय, मतलब 20 साल पुराना लड़का ऐसा कुछ। तो मैं 20 ईयर्स ओल्ड फोटो लिख के यहाँ कर देता हूँ क्रिएट पर क्लिक। तो आप देखते हैं भाई कैसा रिजल्ट आएगा हमारा फोटो AI वाला। सो इस पर करते हूँ क्लिक। तो चलो ऐसी है, ये भी काफ़ी बेस्ट लग रहा है, वैसे काफ़ी अच्छा लग रहा है। ओ भाई साहब क्या तकड़े हैं विंग्स वाले फोटो, भाई मेरे को तो ये बहुत तकड़ा लग रहा है फोटो। मैं तो इसको यहाँ से सेव कर लेता हूँ पहले, यहाँ पे करते हैं क्लिक, यहाँ से करते हैं डाउनलोड। मैंने कहा था ना भाई फोटो बहुत ही गंदा लग रहे हैं, देख लो गाइज ये भी कितना मस्त लगा। इसको मैं यहाँ से सेव कर लेता हूँ, यहाँ से लेते हैं। गाइज अब आपको अगर गर्ल्स का फोटो एडिट करना है, तो यहाँ पे अब जो हमें बॉय लिख रहा है ना, इसको यहाँ से रिमूव कर देंगे और यहाँ लिख देंगे गर्ल। यहाँ से कर देंगे क्रिएट पर क्लिक, और यहाँ पे लड़की का नाम लिख देना, जो भी नाम लिखना चाहो MS क्रिएटिव की जगह। तो यहाँ से कर देते हैं क्रिएट पर क्लिक। तो फोटो हमारे सामने कुछ लोडिंग होकर आ चुके हैं गाइज, देख सकते हो आप सभी। गाइज डाउनलोड आप यहाँ से क्लिक करके कर ही सकते हो अपनी गैलरी में, यहाँ से कर दें डाउनलोड। गाइज ये वाला फोटो रिया नाम का जो मैंने क्रिएट किया था, गाइज दो फोटो तो इसमें लड़की का आए थे, बट ये जो 3 फोटो बॉयज़ का ही मेरे को समझ नहीं आया, बट 2 फोटो है वो होता ही है, AI ने इतना मदद करी हमारी वो होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।